हम जो स्वच्छता का अभियान लेकर के चले हैं, ये स्वच्छता का अभियान मेरे लिए, उसके लिए मेरे दिमाग में मेरी गरीब माताएं बहनें हैं। और मैं हर किसी को कहूंगा, सरकार में बैठे मुलाजिमों से कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे नौजवान से कहना चाहूंगा, आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से कहना चाहूंगा, पल भर के लिए सोचिए, उन मां बहनों के लिए भी सोचिए जो मां बहनें गांव में रहती है, शहर की झुग्गी झपड़ी में रहती है और खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है, उन्हें शौचालय नहीं है, वो क्या करते हैं, सूरज उगने से पहले अंधेरे में घर से बाहर जाकर के अपनी प्रातः विधि करके सूरज उगने से पहले घर लौट आती है। और एक बार सूरज उग गया और कभी दिन में उसको जाने की जरूरत पड़ गई तो रात को सूरज ढलने तक वो इंतजार करती है, और जब अंधेरा होता है शरीर को पीड़ा देती है, पीड़ा सहन करती है और बाद में वो शौच के लिए जाती है। मेरी इन गरीब माएं बहनों की तबीयत पर कितना दुष्प्रभाव होता है। हमारी मां बहनों का हाल क्या होते होंगे। और इसलिए मैं विशेष रूप से हिंदुस्तान के सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि अगर हमारे दिल में हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत, उनके स्वास्थ्य की चिंता या अगर हमारा दायित्व है, तो हम शौचालय बनाने में कोई भी लापरवाही न करें, उसको एक ईमानदारी से आगे बढ़ाएं, इसको पूरा करने का प्रयास करें। आज देश में 5 करोड़ परिवारों को शौचालय से जोड़ा है, जहां देश में 50% से भी कम स्वच्छता की व्यवस्थाएं मौजूद थी, आज करीब करीब 80% से ज्यादा पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। लेकिन हमें इसे और आगे बढ़ाना है, और इसलिए मैं विशेष रूप से मेरे बिहार वासियों से आग्रह करता हूं कि आप ये जिम्मेवारी लीजिए अपने गांव में। आज देश में करीब 2.5 लाख गांव खुले में शौच से अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। मैं बिहार को निमंत्रण देता हूं, आइए हम भी अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करें, अपनी तहसील को खुले में शौच से मुक्त करें, अपने जिले को खुले में शौच से मुक्त करें, और आने वाले कम समय में जिस धरती पर महात्मा गांधी ने चंपारण का सत्याग्रह किया हो, जिस धरती पर महात्मा गांधी ने स्वच्छता का संदेश दिया हो, जिस धरती पर महात्मा गांधी ने स्वावलंब का पुरुषार्थ दिया हो, ऐसी धरती आज देश आपसे अपेक्षा कर रहा है, आप इसमें भी अगुवाई कीजिए और बिहार को नई ऊंचाइयों पर, और ये जन समर्थन के बिना संभव नहीं होता है। सिर्फ सरकारी खजाने से काम नहीं होते हैं, जब जनता जनार्दन तय कर लेती है तो काम अपने आप हो जाते हैं, और इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं।